नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नव्या फूड ब्लॉगर में। तो आज हम बनाने वाले हैं चिल्ली पटाटो। तो चिल्ली पटाटो के लिए मैंने यहाँ पे आलू को पहले ही कट करके रख लिया है और इन्हें पानी में डाल करके रख दिया था, जिससे कि ये काले ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने ये दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने इस तरीके से लंबा करके पतला करके काट लिया है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ कॉर्नफ्लावर। तो मैं 2 से 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी। आप इसकी जगह पे चावल का आटा या मैदा भी ले सकते हैं और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी मैंने 2 ही चम्मच डाली है, पहले इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब ज़रूरत होगी हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और डाल देंगे। तो ये लीजिए, मैंने 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करके और इन्हें कर लेना है फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैं एक कढ़ाई में तेल रख देती हूँ, जिससे कि वो गर्म हो जाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये आलू के ये फ्रेंच फ्राई जो किए हुए हैं हमारे, इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम हमें कम करके इसको अच्छे तरीके से अलटते पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो आलू हैं, आलू भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। ज़्यादा कुक नहीं करने, बस हल्का सा इनको, जब तक इनका कलर चेंज हो रहा है बस जब तक इन्हें फ्राई करना है। तो ये आधा आलू को इसी तरीके से फ्राई होने देते हैं। जो बाकी के बचे हुए हैं उनमें हम एक चीज़ और डालेंगे। तो यहाँ पर मैं कलर के लिए डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छा इसमें कलर आएगा। और इसी के साथ थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इसमें नमक और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो आधे हम इसे प्लेन बना रहे हैं और आधे इसमें लाल मिर्च को डाल करके बनाएंगे। इससे क्या होता है, इससे एकदम मार्केट जैसा कलर आएगा। तो ये मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं इसमें, और इधर आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं। देखिए कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है और ये अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं, एकदम करारे क्रंची। चलिए अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो इन्हें निकालेंगे अब, ये देखिए कितना प्यारा कलर है इनका। इस तरीके से हम एक प्लेट में निकाल करके इनको रख लेंगे। अब जिनमें हमने ये लाल मिर्च मिला कर रखी थी आलू में, अब हम उन्हें ऐड कर देंगे इसी तेल के अंदर। मैंने मिर्च वाले भी आलू इसमें डाल दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरे भी ये लाल मिर्च वाले हमने इनको फ्राई कर लिया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो ये दोनों तरह के हमने आलू को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम करारे करारे बनकर के तैयार हुए हैं। तो बस इसी तरीके से हमें इन्हें फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों तरह के आलू को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। ये लाल मिर्च के हैं और ये बिना मिर्च वाले हैं। चलिए अब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं, जो चिल्ली पटाटो की होती है उसको तैयार करना है हमें। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैंने ले लिया दूसरी कढ़ाई। इसको अच्छे तरीके से गर्म होने देते हैं। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे तेल, रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे जो मैंने फ्रेंच फ्राई फ्राई किए थे उसी में से मैंने ये तेल ले लिया है 2 चम्मच के लगभग। अब इस ये गरम तेल है, तो चलिए अब हम इसमें बाकी के अपने सभी चीज़ें डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है 7 से 8 लहसुन की कली, जिसको मैंने बारीक करके कट कर लिया है, उसे डालेंगे। लहसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिली पटेटो में, और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो इसमें कोई हमें कलर वगैरह नहीं लाना है, बस हल्का सा इसको लाइट पिंक करना है। और ये लहसुन अच्छे तरीके से भून गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज, 1 प्याज भी है मैंने, जिसको मैंने इस तरीके से लंबा करके कट कर लिया है, और इसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे। इसी के साथ मैंने ली है यहाँ पे शिमला मिर्च, तो मैंने इसी तरह की शिमला मिर्च ली है। अगर आपके पास लाल और पीली शिमला मिर्च है तो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया एक टमाटर और तीन हरी मिर्च, जिसको मैंने इस तरीके से लंबा करके कट कर लिया है। और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, हल्का सा इसे भून लेंगे। हमें इसको कोई ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसे भून लेना है। और ये देखिए जो हो गया है। चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो जिसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च का पाउडर, अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं डालूँगी नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। और इसे अच्छे तरीके से पहले हम मिक्स कर देंगे। अब इसके साथ हम डालेंगे कुछ सौंफ। तो चलिए अब हम सौंफ को ऐड कर देंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून विनेगर। इसी के साथ 1 टीस्पून जाएगा ग्रीन चिली पेस्ट और 1 चम्मच ही जाएगा इसमें सोया सॉस। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे चिली पोटैटो के अंदर। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब मैं डालने वाली हूँ इसमें टमाटर केचप 1 से 2 चम्मच। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और हमारे जो फ्रेंच फ्राई हमने जिसमें कॉर्नफ्लावर में मिला करके रखे थे, वो थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग हमारा कॉर्नफ्लावर बच गया है, तो उसे हम क्या करेंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और इसे थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी हमारी ये सॉस बन करके तैयार हो जाएगा। बस इसे चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और बस इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। 1 से 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये सॉस बन करके तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे ये चिल्ली, वो फ्रेंच फ्राई जो हमने फ्राई करके रखे थे आलू के, उनको ऐड कर देंगे। और बस इसे मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए मैंने सभी को इसी तरीके से मसाले में ऐड कर दिया है। और इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे अच्छे तरीके से हो गए हैं चिल्ली पोटैटो। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और आइए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। ये देखिए ये सभी अच्छे तरीके से मसाले मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्व करने के लिए ले ली है एक प्लेट, जिसमें मैं इसे सर्व करूँगी। और इसके साथ ले लीजिए गर्मा गर्म, इंजॉय कीजिएगा। ये देखिए तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस इसे गार्निश के लिए थोड़े से इसमें ये सफ़ेद तिल है, मैं इसको इससे गार्निश कर देती हूँ। ये देखने में और भी मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिल डाल दिए हैं और इसी के साथ मैंने लिए हरी प्याज, उसको भी मैं इसी तरीके से डाल दूँगी। और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल हमारे चिल्ली पोटैटो बन करके तैयार हुए हैं। ये देखिए तो है ना एक आसान सी रेसिपी। अगर आपके पास में फ्रेंच फ्राई बच जाते हैं तो आप इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो चलिए इसे इंजॉय करने, आप बनाइए खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, आप भी खाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और ये देखिए कितने सॉफ्ट और क्रंची हैं हमारे ये चिली पोटैटो।